सुभाषिनी अली स्मरण है? अरे वही जिनके ट्वीट से अभी मणिपुर समेत पूरे राष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। एक अफवाह फैलाने की सुविधा कुछ लोगों से क्या क्या करवा सकती है, ये इस व्यक्ति के कारनामों से स्पष्ट पता चलता है। परंतु मणिपुर को पुनः अशांति की ओर धकेलने को उद्यत इस महिला का यह पहला कारनामा नहीं। इस फील्ड में लक्ष्मी सहगल की इस पुत्री का गजब का रिकॉर्ड रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनिमेश पांडे और आज आपको परिचित कराऊंगा कम्युनिस्ट राजनेता सुभाषिनी अली के घिनौने अतीत से और क्यों यह घटना झूठी कहानियां फैलाने के उनके घिनौने अतीत में हिमशैल का सिरा मात्र है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 23 जुलाई को सोशल मीडिया पर सुभाषिनी अली ने ए ट्वीट पोस्ट किया। इस ट्वीट के माध्यम से महोदया ने मणिपुर के उस हृदय विदारक घटना में कुछ लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया जिसके पीछे मणिपुर से लेकर संसद तक में चर्चा व्याप्त है, परंतु मनगढ़ंत जानकारी के आधार पर ये आरोप बाद में पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। सच्चाई उजागर होने और नेटिजन से तीखी प्रतिक्रिया का सामना करने के बावजूद सुभाषिनी अली ने केवल आधे अधूरे मन से माफी मांगी। इस माफी में उसके लापरवाह कार्यों के संभावित परिणामों को स्वीकार करने में विफलता स्पष्ट दिखाई देती है। जले पर नमक छिड़कने के लिए वह उक्त ट्वीट के लिए क्षमा प्रार्थी बिल्कुल नहीं है और बहुत मुश्किल से इन्होंने अपना दुर्भावनापूर्ण ट्वीट हटाया, जो कि उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए पश्चाताप की कमी और उपेक्षा को भी दर्शाता है। परंतु अगर आपको लगता है कि ये इस वामपंथी नेत्री का पहला कारनामा है तो आप बहुत ही भोले प्राणी हैं। इस घटना से पूर्व इन्होंने 1989 से 1991 तक वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान कानपुर के सांसद के रूप में कार्य किया था। इनके कार्यकाल के दौरान कानपुर, जो कभी अपने संपन्न औद्योगिक क्षेत्र के कारण एशिया के मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध था, को इनके कार्यकाल में विनाश की राह पर ले जाने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा गया। वो कैसे? औद्योगिक क्षेत्र, जो कानपुर के अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, को सुभाषिनी अली के कार्यकाल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नींव तो वैसे राजीव गांधी ने डाल रखी थी, परंतु हड़तालों और अन्य प्रकार की अशांति सहित अनगिनत श्रमिक मुद्दों के लिए बदनाम किया जाना शहर के औद्योगिक परिदृश्य को काफी नुकसान पहुंचाया। एक समय की हलचल भरी और समृद्ध फैक्ट्रियां अस्त व्यस्त हो गई, जिससे उत्पादन और रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट आई। इस अराजकता के दुष्परिणाम अभी भी जारी हैं, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था और उसके निवासियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। और किसी को क्षमा करे ना करे, परंतु कई कानपुरवासी आज भी सुभाषिनी अली और कम्युनिस्ट पार्टी को इन पापों के लिए क्षमा नहीं करना चाहेंगे। अपने कार्यकाल के विनाशकारी परिणामों के बावजूद सुभाषिनी अली ने अभी तक कानपुर की औद्योगिक ताकत के पतन में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं की है। जिम्मेदारी लेने से इनकार करने से उनकी जवाबदेही और नेतृत्व क्षमताओं पर गंभीर संदेह पैदा होता है, जिससे सार्वजनिक पद के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठता है। INA के दिग्गज कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन की बेटी के रूप में सुभाषिनी अली की वंशावली ने भले ही उन्हें औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध साहस और प्रतिरोध की विरासत प्रदान की हो, परंतु ऐसा लगता है कि ये उन्हें सत्य निष्ठा और ईमानदारी प्रदान करने में विफल रहा है। फर्जी खबरें फैलाने का हालिया प्रकरण न केवल राजनीतिक लाभ के लिए बदनामी का सहारा लेने की सुभाषिनी अली की इच्छा को उजागर करता है, अपितु सच्चाई और निष्पक्षता के प्रति गहरे जड़े जमाए हुए तिरस्कार को भी दर्शाता है। इस तरह की कार्रवाइयां न केवल जनता का विश्वास खोती है, अपितु देश में पहले से ही विभाजनकारी राजनीतिक माहौल में भी योगदान देती है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम अपने नेताओं से पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही की मांग करें। सुभाषिनी अली का फर्जी खबरें फैलाने का इतिहास और कानपुर के औद्योगिक पतन में उनकी भूमिका सार्वजनिक सेवा के लिए उनकी ईमानदारी और फिटनेस के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। इसके कार्यों के परिणाम उनके द्वारा होने वाले तात्कालिक क्षति से कहीं अधिक विस्तृत होते हैं। वे हमारे लोकतंत्र के ताने बाने को कमजोर करते हैं। ईश्वर करे ऐसी विरासत किसी की ना हो।